नमस्कार, नाम वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक दिल से स्वागत। आज मैं दूंगा आपको अपने माल्टा का टूर जहाँ मैं रह रहा हूँ। माल्टा का घर कैसा है, प्रॉपर एक माल्टीज लड़की ने घर बनाया और स्पेशली डेकोरेट करके मुझे दिया है, बिकॉज मैं यहाँ इंग्लैंड से और मैंने बुक किया है अपना booking.com से, और मेरी जो इसकी कॉस्ट है वो पड़ी थी 5 days के लिए, तो इसकी कॉस्ट पड़ी थी वो 75,000 रुपये के पास थी शायद मेरे ख्याल से, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, पर ये बगीबा बीच के पास है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप भी अगर बगीबा आना चाहते हो तो माल्टा आना चाहते हो, जो प्राइवेट हाउसेज होते हैं, रूम होते हैं 5 दिन जिसमें ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सब कुछ इंक्लूडेड था, तो वो महंगे होते हैं, लेकिन आप booking.com से जो माल्टा में एवरेज रूम 25-30 यूरो पर नाइट का ले सकते हैं, पर उसमें खाना इन्वॉल्व नहीं होता। पर जाए गाइस, देखते हैं अंदर जाकर मेरा घर कैसा दिखता है। प्रॉपर माल्टीज घर है, ये ब्रांड न्यू घर है, बने हुए इसको 6 महीने भी नहीं हुए। कैसे ये माल्टीज कल्चर रहते हैं, कैसे इनका ड्राइंग रूम होता है, कैसे किचन, कैसे बाथरूम, कैसे बेडरूम, ये सारे बातें डिस्कस करें। पर गाइस, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला यूट्यूबर हूँ, 4 times आए 1 साल के अंदर लोगों को मोटिवेट कर, और इसे खुद 15 लाख खर्चा है, और उसके पास 61 कंट्री का एक्सपीरियंस है, और वो माशाल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसने मल्टीनेशनल कंपनी में यूके में काम किया। और चलिए चलते जाकर देखते हैं, पर आपको वीडियो को लाइक करना और फ्री एंट्री सिंगापुर के लिए इसके लिए कमेंट भी करना है। दोस्तों, जो मेरा रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा रूम है फर्स्ट फ्लोर पर। इसके बाहर ये बगीबा टाउन सेंटर है। ऐसे घर होते हैं माल्टा में 2-3 मंजिले के, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, और ये यहाँ बिल्कुल सामने आप देख सकते हो वो बीच है, और बीच के बाद जो मेरा रूम है मेरा माल्टा में वो है ऐसे करके लिविंग रूम है, आप देख सकते हो लिविंग रूम है, और बैठने के लिए सोफा है, चेयर सीट्स हैं, और इसके बाद आप अगर एंटर करोगे तो आप देख सकते हो कि ये वार्डरोब्स कितनी सुंदर है, और मैंने ये प्राइवेट लिया है, फ्लैट लिया है, यहाँ पर टीवी है देखने के लिए, और ये बेडरूम है, और ये यहाँ पर वार्डरोब्स लगे हुए हैं, और ये है एंट्रेंस जो मैंने आपको कहा एंट्रेंस के बाद, तो काफ़ी क्लीन रूम है। इसके अलावा अगर मैंने कपड़े धोने, जैसे मैं काफ़ी 2 महीने ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे कपड़े धोने के लिए इन्होंने मशीन भी दी हुई है, साथ में आयरिंग बोर्ड है, जो मैं बहुत लेजी हूँ, बहुत कम आयरन करता हूँ, तो आयरिंग बोर्ड है वो बॉक्स का कपड़े डालने के लिए, और ये रूम काफ़ी मासिव है, आप देख सकते हैं एक आदमी, और प्लस यहाँ पर AC भी लगा हुआ, और प्लस प्रॉपरली डेकोरेट, मुझे क्लीन रूम चाहिए था। इसके अलावा बताना चाहूँगा, इसके किचन है, टोस्टर है, चाय वाला है, पर मैं तो गैस यूज़ करता हूँ, मुझे तो इंडियन चाय, हर चीज़ में इंडियन चाहिए, इंडियन लोगों का मेरा चक्कर था, इंडियन मुझे खाना चाहिए, मुझे इंडियन फूड चाहिए, मतलब कि हर चीज़ इंडियन चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ें नहीं खाई हैं, उन्होंने काफ़ी सारे वो दिए थे कॉन्फ्लेक्स, आई मेड माई ओन रोटीज एंड डोसास। तो ये है, माइक्रोवेव भी है यहाँ पर, फ्रीजर भी है, आप देख सकते हैं प्रॉपर घर होता है, कॉफ़ी मशीन, मैं कॉफ़ी पीता नहीं, मैं चाय पीता, तो ये टोस्टर है, सब कुछ है, और अगर आप दिखाना चाहो तो आप हैरान हो जाओगे, बर्तन वगैरह भी इन लोगों ने भी सारे दिए हुए हैं, तो मुझे इंडिया से कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं, बस वो मैं रोटी बेलन नहीं लेकर आया, वो नहीं यहाँ मिला मुझे रोटी बेलन, लेकिन आप देख सकते हो एक आदमी के लिए सफिशेंट है, सारे बर्तन हैं, सारे चाकू हैं, इवन की लिक्विड वॉश भी दिया गया है, और सारे बर्तन जो चाय बनाने के लिए छोटे छोटे पैन भी दे दो, कितने यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी है, फायर एग्जिट लगाया गया है, फायर ब्लैंकेट लगाया गया है, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लगाई, जो आपको दिखाता हूँ यूरोप की कंट्री में, देखिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लगाई गई है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, प्रॉपर हर चीज सर्टिफिकेट ले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी किसी को सू कर लेता। तो गाइस, ये है मेरा रूम, और आगे आपको बाथरूम और बार वो दिखाता हूँ, तो एक आदमी इनफ है। बाथरूम भी ऐसा है जैसा हमारे यूके में होता है, शावर यहाँ पर लगी थी, शावर के साथ नहाते हैं, माल्टा में मोस्टली घर में आपको यही मिलेगा, माल्टा में और यूके में, यूरोप में, और सिंक है यहाँ पर, और आपको दिखाता हूँ, पर कपड़े धोने के लिए डालने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ मैंने कपड़े धोए एटलीस्ट 1 महीने पड़े, 5-6 बार इसकी मशीन यूज़ की, अच्छा बिल इसका आएगा। तो ये बाहर कपड़े धोने के लिए तार लगी हुई है, ये बाहर है, और ये टेबल बैठने के लिए भी है, देखो कितना ये लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, ये लोग पैसा लेते हैं ना तो दोस्त हर चीज़ देते हैं, फ्रॉड नहीं करते हैं, ये यूरोप में अच्छी बात है। बैठने के लिए टेबल है, और ये ऐसे इसके बाद एंट्रेंस है, अगर आपको शाम को आना है आप अंदर आ सकते हो, और बस यही आशियाना है जहाँ पर मैंने 6 दिन बगीबा में बिताए थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं लोग के सपने पूरा करने में उनकी मदद करता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर खुद देखा तो सोच के आ रहे हैं, ऐसे माल्टा सी कट बनाइए, और इवन कि माल्टा घूमने के लिए आना चाहते हैं तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनाइए, क्योंकि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप माल्टा टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, और ऐसे आकर यहाँ पर बॉस घूम सकते हैं। तो आई विश यू वेरी वेरी गुड लक, पर जाते वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्री एंट्री फ्री CV में और सिंगापुर के लिए प्लीज़ डालिएगा।